गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। इसमें हम जानेंगे कि जो प्रोसीजर है टेस्ट करने का वो, और कौन सा अपरेटस यूज करते हैं, और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है सीमेंट के केस में। तो सबसे पहले है, जो ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ये किसके थ्रू किया जाता है? विकेट अपरेटस के द्वारा। ये आपके सामने विकेट अपरेटस की इमेज है। विकेट अपरेटस का जो मोल्ड होता है जो हम यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग, तो उसका साइज है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 80 mm इसका डाया होता है और 40 mm इसकी हाइट होती है मोल्ड जो हम यूज करते हैं। जो इसकी कैप होती है उसका 300 ग्राम वेट होता है, और ये इसकी बेस प्लेट होती है। इसमें हम तीन जो निडल हैं वो यूज करते हैं जिनका नाम अलग अलग है। इसमें जो पहली निडल है जिसको हम बोलेंगे पलंगर, इसका डाया होता है 10 mm डाया और 50 mm इसकी हाइट होती है, ठीक है। और ये हम यूज करते हैं किसमें? फॉर कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट में। उसके बाद है हमारी 1 mm स्क्वेयर एरिया निडल, और ये हम यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए, जो आगे मैं आपको बताऊंगा टेस्ट करेंगे जब ये। और थर्ड नंबर पे जो निडल बोलेंगे ये है कैपलर 4, इसको बोलते हैं कैपलर 4 नहीं, सिर्फ ओनली कैपलर, और इसका हम यूज करते हैं इसी अपरेटस में ही फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए। और जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है सीमेंट का, ये हम इस अपरेटस को कितने रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं? टेम्परेचर होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वो 27 ± 2 °C, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 90%। अब हम जानते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा, कि इसको क्यों किया जाता है। देखो, नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हम कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, करते हैं। और दिस टेस्ट एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर टू फॉर्म ए पेस्ट ऑफ नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी हम ये कह सकते हैं कि जो पेस्ट होता है वो कितना गाढ़ा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं कंसिस्टेंसी। व्हेन वी परफॉर्म दिस टेस्ट वी टेक ए सैंपल, चाहे आप उसको 250 ग्राम ले लीजिए चाहे 300 ग्राम ले लो, ठीक है, एक सैंपल ले लिया हमने, और उसमें हम वाटर ऐड करेंगे कहाँ, कितने परसेंट से कितने तक, 25% से 35%। और सैंपल लेने के बाद हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, और वो वाटर की परसेंटेज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जितना भी हमने सैंपल लिया है, मान लो 300 ग्राम सैंपल लिया है, तो उसका 25% से 35% के बीच में हम उसकी वाटर क्वांटिटी लेते हैं, कि मान लो 300 ग्राम सीमेंट लिए तो इसका 25% ऑफ वाटर वेट, ठीक है। और वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक ट्यूब होती है, उसके हिसाब से हम उसका वेट कर लेंगे और वो हम एमएल में पानी कैलकुलेट करके इसमें डाल देंगे। अब हम इसको 3-4 स्टेज में करते हैं कि हमारी जो कंसिस्टेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए, 5 से 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ मोल्ड। अब ये मोल्ड का क्या सिस्टम है, जो हमारा जो अपरेटस हम विकेट अपरेटस यूज कर रहे हैं ये मोल्ड है, ठीक है। इसको हम सीमेंट पेस्ट बनाने के बाद, मान लो हमने पहले सबसे पहले रीडिंग ली कि 25% वाटर ऐड किया इस सीमेंट पेस्ट में, इस सैंपल में, और हमने इसका एक पेस्ट बनाया, उसको हमने इस मोल्ड में फिल कर दिया ऊपर तक, ठीक है। और इस मोल्ड को हम जब विकेट अपरेटस में रखेंगे, जो हमारी नीडल है उसको हम इस के सरफेस पे रख के और फ्रीली उसको ड्रॉप कर देंगे, जो वो रीडिंग दिखाएगा विकेट अपरेटस के ऊपर वो हमारी आनी चाहिए 5 से 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ मोल्ड, ठीक है। अब ये तो बॉटम ऑफ मोल्ड हो गई, कि इसके बीच में अगर हमारी वैल्यू नहीं आती है 5 से 7 के बीच में, तो हम पानी की वाटर जो परसेंटेज है वो बढ़ाएंगे, हम 30% करेंगे 32% करेंगे 28% करेंगे, ऐसे करके हम 5 से 7 mm के बीच में वो वैल्यू लेके आ जाएंगे। सैंपल हमारा सेम क्वांटिटी में रहेगा 300 ग्राम। और क्या रूम टेम्परेचर होगा इस प्रोसेस रहेगा इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम रूम का, 28 °C, या फिर हम कह सकते हैं 27 ± 2 °C, ठीक है। एक बात ये हो गई, मिक्सिंग ऑफ वाटर ऑफ सीमेंट शुड बी डन इन 2 मिनट। जो मिक्सिंग जब हम पेस्ट बनाएंगे सीमेंट में, हम वाटर ऐड करेंगे, तो हमें 2 मिनट के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसके बाद सीमेंट क्या है अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी स्टार्ट कर देती है। और कंसिस्टेंसी वैल्यू 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम और 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप होनी चाहिए।
अब ये जो हम निडल करा डालते हैं उसकी सरफेस पे टच कराने के बाद हम उसको फ्रीली छोड़ देते हैं, जो हमारी कैप का वेट 300 ग्राम होता है उस वेट से वो क्या है नीचे जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन बोलते हैं। कि वो उस पेनिट्रेशन मतलब कि वो सीमेंट के अंदर उस पेस्ट के मोल्ड के अंदर जो पेस्ट हमने डाला है उसमें कितनी जा रही है। तो ऐसे हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हमें क्या वैल्यू लेके आनी होती है 5 से 7 mm के बीच में जो कंसिस्टेंसी वैल्यू है सीमेंट की वो लेके आनी पड़ती है, जो रीडिंग हमें विकेट ऑपरेटर्स पे शो होती है। सो इस टेस्ट को परफॉर्म करने का सिंपल प्रोसीजर क्या है कि 300 ग्राम हमने सीमेंट एक सैंपल लिया, उसमें हमने 25% से 35% के बीच में वाटर सैंपल लिया, और 35% ऑफ व्हाट, जो हमने सैंपल लिया है सीमेंट का उसका 35%, और वो ml में हम एक ट्यूब होती है उसमें रीडिंग होती है, वो पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद एक पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बना के हम जो विकेट ऑपरेटर्स का मोल्ड है उसमें हम मोल्ड में डालेंगे सीमेंट को, जो पेस्ट है हमारा, और उसके ऊपर जो हमने जो निडल बताई कौन सी, जो प्लंजर होता है जो हम कंसिस्टेंसी टेस्ट में यूज़ करते हैं, उसको हम सरफेस पे टच करा के फ्रीली छोड़ देंगे। फ्रीली छोड़ने के बाद वो कितना उसके सीमेंट पेस्ट के अंदर जाता है वो हम रीडिंग नोट कर लेंगे, और वो रीडिंग अगर 5 से 7 mm के बीच में है, फ्रॉम ये रीडिंग कहाँ से है, ये बॉटम से है, तो हमारा जो टेस्ट है कंसिस्टेंसी सीमेंट की अकॉर्डिंग टू IS कोड सही है। और बॉटम से अगर हम रीडिंग लें तो टॉप से अगर हम रीडिंग लें तो 33 से 35 mm के बीच में होनी चाहिए। अगर ये रीडिंग नहीं आती है तो हम जो पानी की मात्रा है, जो पानी की परसेंटेज है, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, 25 से ऊपर ही करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। और जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए वो 28 डिग्री रूम टेम्परेचर होना चाहिए, और जो मिक्सिंग ऑफ वाटर और सीमेंट है वो 2 मिनट में होनी चाहिए। तो हमारी जो निडल पेनिट्रेशन करेगी वो हम रीडिंग ले लेंगे, वही हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट का जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इसके बेस पे ही हम इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम का जो टेस्ट है हम वो परफॉर्म करते हैं, जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा।